हाय गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप भाई अपने स्नैपचैट का जो पासवर्ड है वो भूल चुके हैं। आप भाई अपना स्नैपचैट का पुराना अकाउंट या फिर लॉगिन करना चाहते हैं, आपको पासवर्ड का नहीं पता। तो आज के वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप भाई जो अपना स्नैपचैट का जो पुराना अकाउंट है उसे किस तरह लॉगिन कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को किस तरह फॉरगेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड लगा सकते हैं। तो फुल डिटेल के साथ बताएंगे स्नैपचैट के ऊपर। लेकिन अगर आप भाई जानना चाहते हैं तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपने वीडियो का किसी किस्म का कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, वरना आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगी। तो गाइस, बिना वक्त जाए के चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम भाई स्नैपचैट का जो पुराना पासवर्ड है उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी से कर दीजिएगा, और उसके साथ ही चैनल पे आने वाले नए यूजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, बिना वक्त जाए के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सिंपली आपने फर्स्ट पे उस जगह पे जाना है जहां पे एप्लीकेशन इंस्टॉल है, उधर जाके एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो इधर आपको दो ऑप्शन मिलेगी, एक लॉगिन और दूसरा साइन अप। तो हमने अपना जो पुराना अकाउंट है उसे फॉरगेट करना है, हमने नया नहीं बनाना। उसके लिए आपने लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर आपको नीचे जो है वो फॉरगेट योर पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपने इस फॉरगेट योर पासवर्ड वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो इधर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका जो पुराना अकाउंट है वो फोन नंबर पे था या ईमेल के ऊपर। अगर आप भाइयों को पता है कि वो फोन नंबर के ऊपर था, आपने पहला वाला ऑप्शन जो है वो फोन वाला आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो आप भाई फोन नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद इधर आप भाइयों ने अपना जो मोबाइल नंबर है वो टाइप कर देना है। मैं अपना जो मोबाइल नंबर है वो टाइप कर देता हूँ, मुझे पता था मेरा अकाउंट इस नंबर के ऊपर है जो मुझे भूल चुका है, पासवर्ड नहीं पता। तो नंबर टाइप करने के बाद नीचे ही सबमिट कर देना है। तो आप भाई सबमिट करेंगे, इसी नंबर के ऊपर एक ओटीपी कोड चला जाएगा। ये नंबर आप भाइयों के पास होना जरूरी है। तो इस नंबर के साथ ही आप भाई अपना पुराना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो आप भाई अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते। मैं अपने जो मोबाइल के ऊपर जो मुझे ओटीपी मिला है, मैं वो ओटीपी कोड टाइप कर देता हूँ। तो ओटीपी कोड जिस तरह टाइप करता हूँ ये ऑटो पे ही मेरी कॉन्फिगरेशन ले लेगा। उसके बाद इधर आ जाएगा कि आप भाई अपना एक नया पासवर्ड लगाएं। तो मैं इधर अपना एक नया पासवर्ड जो है वो टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने इधर अपना एक नया जो पासवर्ड है वो टाइप कर लिया है। टाइप करने के बाद आपने इसे सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद जो आपका अकाउंट था वो दोबारा ही लॉगिन हो जाएगा आपका। तो आप भाइयों का जो अकाउंट है वो हो चुका है फॉरगेट, पासवर्ड जो है आप भाइयों को मिल चुका है, नया पासवर्ड आप भाइयों ने अपना लगा लिया है। आप भाइयों ने अपना अकाउंट को लॉगिन करना है। तो अगर आप भाइयों का ईमेल का अकाउंट था तो आपने इस जगह पे लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप भाइयों का मोबाइल नंबर के ऊपर अकाउंट था तो उसके नीचे आपको यूज मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपने सिंपली यूज मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं इस यूज मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपका जो अकाउंट था वो किस मोबाइल नंबर के था, आपने वो जो मोबाइल नंबर है वो टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आप भाइयों का जो पासवर्ड था वो आपने वो पासवर्ड इधर टाइप करना है। मैं अपना पासवर्ड जो है वो टाइप कर देता हूँ, जो भी मैंने नया पासवर्ड लगाया है। तो मैंने अपना जो नया पासवर्ड है वो लगा दिया है। नया पासवर्ड लगाने के बाद नीचे ही आप भाइयों को लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं इस लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मैं जिस तरह लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा जो अकाउंट है लॉगिन हो चुका है। उसके बाद इधर आप भाइयों को देखने को मिल रहा है ये मेरे ऊपर प्रोफाइल है। मैं अपनी इस प्रोफाइल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो अकाउंट था वो नबील अहमद के नाम के ऊपर था। तो ये मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है, फॉरगेट हो चुका है। तो आप भाइयों को पता चल गया होगा कि स्नैपचैट का एप्लीकेशन का जो आप भाई पासवर्ड भूल चुके थे, आपने उसे लॉगिन करना है अपने पुराने अकाउंट को, तो आप भाई किस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप भाइयों को फुल पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी नहीं पता चला तो यही मेरा मोबाइल नंबर है। आप इधर व्हाट्सएप के ऊपर चाहे मुझे मैसेज करके आप भाइयों की कोई भी प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही अगर आप भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना है। और उसके साथ चैनल पर आने वाले नए यूजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ और उसके साथ मैंने घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपने अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।